हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर, यानी कि आप बीए फोर्थ सेमेस्टर भी बोल सकते हैं इसको, इसका नया सिलेबस प्राचीन इतिहास का, एंशियंट हिस्ट्री का न्यू सिलेबस बीए सेकंड ईयर का जो फोर्थ सेमेस्टर है, यानी कि बीए का फोर्थ सेमेस्टर, उसमें क्या चीज आपको पढ़नी है, कौन कौन से यूनिट्स पर आपको ध्यान देना है, कौन से यूनिट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या क्या एक एक यूनिट में आपको पढ़ना है, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज विजिट द चैनल, ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। ऑलरेडी इस चैनल पर 2200 से भी ज्यादा वीडियोज अपलोड हो चुके हैं बीए से रिलेटेड, तो एक बार विजिट करके जरूर देखिए। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो जो आपके बीए सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर के एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस है, उसका जो पेपर नेम है वो है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का पॉलिटिकल हिस्ट्री, दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास के बारे में आपको समझना है, जो कि इतिहास कहां से हो 1000 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक का जो दक्षिण भारत का इतिहास रहा है उस इतिहास के बारे में आपको समझना है। ओके, तो मतलब जो भी हमारे यूनिट्स होंगे कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द घूम रहे होंगे। तो जिसमें आपको पहला यूनिट यहां पर देख सकते हो, पहले यूनिट में आपको क्या देखना है कि सोर्स ऑफ द स्टडी, अध्ययन के स्रोत, कि जो ये प्राचीन इतिहास है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक, तो इसको पढ़ने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से सोर्स हैं जिनसे हमें इस टाइम पीरियड के हिस्ट्री के बारे में पता चल सकता है। तो बेसिकली हमको पहले यूनिट में सोर्सों के बारे में पढ़ना है, तो इसमें कई सारे सोर्स आ सकते हैं, जैसे बुक्स हो सकती हैं, जैसे कि लेख हो सकते हैं, शिला लेख हो सकता है, कहीं दीवार पे लेख लिखवाया गया, कहीं गुफा में लेख लिखवाया गया, बहुत सारी चीजें आपको पत्रों पे लिख दिखा जा सकता है, ताम्र पत्र हो गया, सिक्के हो गया, तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास का उस टाइम पीरियड के बारे में पता चल सकता है। तो पहले यूनिट में बेसिकली हमको सोर्स ऑफ द स्टडी ही पढ़नी है। ओके, सेकंड यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन संगम लिटरेचर पल्लव डायनेस्टी। संगम साहित्य एक बहुत इंपॉर्टेंट साहित्य है दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास को जानने के लिए, जिसमें पल्लव राजवंश के बारे में बात किया गया है। तो संगम साहित्य में राजनीतिक संरचना किस तरीके से दिखाया गया, किस तरीके से वहां पर बताया गया कि संगम साहित्य के अनुसार पल्लव डायनेस्टी जो थी, पल्लव राजवंश, उसमें क्या चीज, कैसे स्ट्रक्चर था, राजनीति किस तरीके से चल रही थी, वो आपको सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। थर्ड यूनिट जो आपका है, थर्ड यूनिट में आपको पढ़ना है राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट जो वंश है, इसमें कौन कौन से राजा आए, उनका क्या योगदान रहा, उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, उन क्षेत्रों में उन्होंने क्या काम किया, किस तरीके से उनका शासन पीरियड रहा, उस बारे में पढ़ना है। तो राष्ट्रकूट जो राजवंश है, इसमें आपको पढ़ना है ध्रुव के बारे में, गोविंद तृतीय के बारे में, अमोघ वर्ष के बारे में, कृष्ण द्वितीय के बारे में, इंद्र तृतीय के बारे में, कृष्ण तृतीय के बारे में और कर्क द्वितीय के बारे में। आप देख सकते हो कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी में आपको ध्रुव के बारे में, गोविंद सेकंड के बारे में, अमोघ वर्ष के बारे में, कृष्णा सेकंड, इंद्र थर्ड और कृष्णा थर्ड और कर्क सेकंड के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर फोर में आपको किसके बारे में पढ़ना है, तो यूनिट नंबर फोर में आपको पढ़ना है चालुक्य ऑफ वातापी, वातापी के चालुक्य के बारे में पढ़ना है। चालुक्य तीन जगहों पर थे, एक था आपका चालुक्य ऑफ वेंगी, वेंगी के चालुक्य, और एक था आपका चालुक्य ऑफ कल्याणी, कल्याणी के चालुक्य। तो इन तीनों के बारे में पढ़ना है कि इनमें डिफरेंसेस क्या थे, इनमें एकता क्या थी, ये किस तरीके से कनेक्टेड थे, बहुत सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है चालुक्य वंश से रिलेटेड। ओके, इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर फाइव। यूनिट नंबर फाइव में आपको पढ़ना है चोल डायनेस्टी के बारे में। यूनिट नंबर फाइव में आपको चोल डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है और चेर डायनेस्टी के बारे में, चोल वंश और चेर वंश के बारे में पढ़ना है आपको यूनिट नंबर फाइव में, डिटेल अध्ययन करनी है। इसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर सिक्स। यूनिट नंबर सिक्स में आपको क्या पढ़ना है, कदंबा डायनेस्टी ऑफ बनवासी, बनवासी का कदंब वंश, बनवासी का जो कदंब राजवंश था वो कैसा था, उसके राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक स्थिति क्या थी। उसके बाद गंगा डायनेस्टी ऑफ तालकोंडी, तालकोंडी का गंगा वंश किस तरीके से था, क्या था, उस चीज के बारे में बात करने हैं। उसके बाद पांड्या डायनेस्टी ऑफ मधुरा, मधुरा का पांड्य वंश के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट नंबर सिक्स में आपको तीन वंशों के बारे में पढ़ना है, वनवासी के कदंब वंश, तालकंड के गंगा वंश और मधुरा के पांड्य वंश के बारे में यूनिट नंबर सिक्स में पढ़ना है। अब आइए देखते हैं यूनिट नंबर सेवन में आपको क्या पढ़ना है। तो सेवंथ यूनिट में आपका है यादव डायनेस्टी ऑफ देवगिरी, देवगिरी का यादव वंश, देवगिरी की यादव वंश के बारे में हमको पढ़ना है यूनिट नंबर सेवन में, पहली चीज। दूसरा आपको पढ़ना है जो है काकतिया डायनेस्टी ऑफ वारंगल, वारंगल का काकतीय वंश, और आपको क्या पढ़ना है कि होयसेल डायनेस्टी ऑफ द्वार समुद्र, द्वार समुद्र का होयसेल वंश। ये तीन वंश के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर सेवन में, यादव वंश, देवगिरी का, वारगल वंश का जो है वारगल का काकतीय वंश
और जो है आपका होयसेल वंश द्वार समुद्र का, ये तीन चीजें पढ़नी है यूनिट नंबर 7 में। उनके बारे में, उनका राज्य, उनका विस्तार, उनके मतलब बहुत सारी चीजें उनसे रिलेटेड। यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है द स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर इन साउदर्न ईस्ट एशिया साइक्लोन बर्मा मलयालम एंड समाता। देखो दक्षिण भारतीय एशिया सिलोन में, दक्षिण भारत का जो एशिया सिलोन है, जैसे वर्मा हो गया, जिसमें मलाया आ गया, सुमात्रा हो गया, इसमें भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कैसे किया गया, क्या क्या चीजें हुआ, कौन कौन किस किस ने जाके भारत के जो इतिहास है, भारत की जो संस्कृति है, उसको वहां पर प्रचार प्रसार करवाया। जैसे अशोक के टाइम पीरियड में देखोगे कि वो चाइना में अपने बेटे को भेजा था, वर्मा में भेजा था अपनी बेटी को। तो इस तरीके से किस किस तरीके से भारतीय संस्कृति का फैलाव हुआ दक्षिण एशिया भागों में। तो ये है आपका यूनिट नंबर 8 और बीए सेकंड ईयर का जो फोर्थ सेमेस्टर प्राचीन इतिहास है, उसमें आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे है, प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आने वाली वीडियोस को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। प्लीज शेयर टू अदर्स, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।